आउट की वो मेरे एनसी के इनपुट में आ गई पुश बटन के, और यहाँ से आउटपुट की मेरे यहाँ एनओ के पुश बटन के इनपुट में आ गई। ठीक है, यहाँ से जो मेरे सप्लाई आउट हुई थी वो मेरे मेन कॉन्टेक्टर के ए वन पे आ गई पॉइंट पे। ठीक है, न्यूट्रल मेरा सीधा यहाँ से आया तीनों। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस बटन दबाएंगे तो ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा। ठीक, यहाँ होल्डिंग के लिए जैसे मुझे इसको होल्ड करना है कॉन्टैक्टर को अपने को, होल्डिंग के लिए मुझे एक लूप लगानी होगी जिससे मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाए। तो मैं होल्ड के लिए ऐसे एनसी से अपने एक लूप उठाऊंगा और यहाँ के इसके एनओ पर दे दूंगा, क्योंकि जब ये होल्ड होगा तो जो मेरा एनओ पॉइंट है वो एनसी बन जाएगा। ठीक है, जिससे सप्लाई बराबर उसे मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने इस पर इनपुट दिया और यहाँ से आउट करूँगा और इसके एवन जो टर्मिनल था उस पर शॉर्ट कर दूंगा इसे। तो इससे जो मेरा ये एनओ है जैसे ये कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा तो वो तुरंत एनसी बन जाएगा और उसे सप्लाई जो है डायरेक्ट मिलती रहेगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये जो अगला पॉइंट जो मैंने बताया, ये अगला पॉइंट है टाइमर के लिए। मैंने अपने यहाँ से एनओ के आउटपुट से ले सकता हूँ या ए वन यहाँ टर्मिनल से भी ले सकता हूँ मैं इसे। यहाँ से मैंने अपने ए वन के इस पॉइंट टाइमर के ए वन पर दी और यहाँ से मैंने इसे 15 नंबर 25 नंबर को आप यहाँ से सप्लाई इसको दी और यहाँ से ताकि ये सप्लाई मुझे यहाँ पर आउट मिल जाएगी। यस, 16 नंबर यहाँ पर है ये, तो पिछले वाले में मिस किया था ना, इंटरलॉकिंग तुम लोगों ने सुना होगा। yes, तो ये अभी क्या है ना, कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक कर रहे हैं। ये कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग है। जैसे मेरा 16 नंबर से मेरा स्टार कॉन्टैक्टर चालू होगा तो मैं क्या करूँगा इंटरलॉकिंग के लिए कि 16 नंबर से अपनी इसको उठाऊँगा वायर को और अपने जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है मेरा उसके एनसी पॉइंट पर दूंगा। ठीक, और एनसी पॉइंट के जो आउटपुट है मैं यहाँ से सप्लाई को उठाऊँगा अपने जो स्टार कॉन्टैक्टर है उसके ए वन टर्मिनल पर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा ये कॉन्टैक्टर यहाँ से क्या बोलते उसे इंटरलॉकिंग, हाँ इंटरलॉकिंग इंटरलॉक हो जाएगा कि जब तक मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा जब तक ये ऑपरेट नहीं हो सकता दूसरा वाला, जब तक या दूसरा वाला मेरा ऑन रहेगा तो ये ऑन नहीं हो सकता, एक दूसरे आपस में जब तक पूरा कॉन्टैक्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा ऑन होके ऑफ तब तक ये दूसरा चालू नहीं होगा। और जो मेरे इसकी डेल्टा की जो क्या जाता जो डेल्टा की सप्लाई वो मैं यहाँ से उठाऊँगा स्टार के एनसी पे दे दूँगा। ठीक है, और एनसी के आउटपुट से इसे निकालूंगा और इसके डेल्टा के ए वन पे दे दूंगा यहाँ पे। ठीक, ये बताओ कोई कन्फ्यूजन है तो बैक कर लो, बैक बैनर से देखो कुछ नहीं है। हाँ देखो, सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी है ही नहीं। तो जैसे भाई ये सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरलॉकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। इंटरलॉकिंग की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि भाई देखो हमारा मेन को तो हम भूल जाते हैं, अभी हमारी इंटरलॉकिंग होनी दोनों के बीच में। अगर हमारा किसी वजह से ये कॉन्टैक्टर हमने ऑन कर दिया तो ये क्या होगा ना, चिपक गया अंदर, ये क्या हुआ चिपक गया, कॉन्टैक्टर चिपक जाते हैं, ये चिपक गया अंदर। तो चिपक गया तो क्या होगा कि भाई ठीक है ऑन ही रहेगा वो, चिपक गया है तो इसकी देखो जो पावर डायग्राम है ये है हमारा कंट्रोलिंग, जो पावर डायग्राम है उसमें चिपका ही रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट होगा वो जो हमारा स्टार है वो शॉर्ट होगा। तो जब ये वाला लगेगा ना तो समझो कि आर वाई भी शॉर्ट हो जाएंगे और कॉन्टैक्टर फट जाएंगे, आग लग जाएगी, कुछ नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि दोनों कॉन्टैक्टर, उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, दोनों कॉन्टैक्टर वाले ऑन मत हों इस तरह कुछ करते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर किसी वजह से चिपक जाता है सपोज, तो इस कॉन्टैक्टर को पहले जब ये कॉन्टैक्टर हम लगा लेते हैं कि ये कॉन्टैक्टर किसी वजह से चिपक जाता है तो अगला स्लाइड चलाना। हमने क्या किया देखो, इसका एनसी का मतलब क्या हो गया, इसका एनसी का मतलब है कि कॉन्टैक्टर बंद है ना, अगर हमारा ये कॉन्टैक्टर बंद है बट गलती से मैंने क्या किया इसको ऑन नहीं किया, मैंने ये वाला बटन था ना अंदर इसको ऐसे ऐसे दबाया, जैसे इसको दबाया सप्लाई टूट गई, एनसी से एनओ बन गया।
तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर बंद है। तो अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली हमने इसको चार्ज कर दिया है, ये हमारा ऑन हो गया। तो अभी अगली स्लाइड, अभी क्या करेंगे, अभी भाई ये कॉन्ट्रैक्टर तो हो गया ऑन, अभी इसको ऑन करने की जरूरत है। देखो अभी अभी क्या किया ना, मैंने एक तार उठाया जो जो मुझे इसको ऑन करने वाला तार था, वो मैंने उठाया यहां से और इसके एनसी में दे दिया, इसके एनसी से नेक्स्ट, इसके एनसी से यहां पर दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा अगर किसी वजह से भाई, किसी वजह से अगर हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन रह जाता है, अगर किसी वजह से हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है तो वो ऑफ नहीं होगा, मतलब दोनों एक साथ में ऑन हो ही नहीं सकते। कुछ लॉजिक क्लियर हुआ किसी का? किस किस को डाउट है वो बताओगे, नहीं है तो ये बोर्ड आ जाओ, ये पेन ले लो और मैं पूछूंगा। आ जाओ फिर, इधर आओ, इधर आओ, क्लियर कराएंगे। अभी क्या हुआ कि कुछ सेकंड के बाद में क्या हुआ कि ये यहाँ से सप्लाई कट गई, यहाँ से सप्लाई कटी तो भाई अभी इसके अंदर से घूम के आएगी दूसरे के अंदर से, तो एक बार इसको कर देते हैं। अभी क्या होगा, यहाँ से सप्लाई कट गई, ये वाली ये वाली सप्लाई थी जो हमारी 16 नंबर वाली, ये वाली ब्रेक होगी। ठीक है, ये ब्रेक होगी तो भी ऑफ हो गया, ऑफ होते ही क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अभी ये वाली सप्लाई एनर्जाइज होगी, ठीक है, ये वाली सप्लाई एनर्जाइज हुई, ये आया, ये तो ऑफ हो चुका है ना, क्योंकि पावर कट चुकी है। यहाँ से तार सप्लाई आई, ये यहाँ इसके अंदर से गई। ठीक सर, अगर जैसे हमारा ये टाइम मशीन ना काम करे तो फिर कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा सिस्टम, सिस्टम को दोनों समय साथ देते, जिससे 16 ना बंद करके 25 ऑन रहे दोनों कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या होगा, ये दोनों ऑन रह जाएंगे। हाँ, जैसे कोई टाइमर ले हमारा ना ऑपरेशन, मतलब जैसे कि 16 सेकंड बाद टाइमर, 5 सेकंड बाद स्टार रेंडम कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 5 सेकंड बाद कुछ ना कन्वर्ट कर पाए तो स्टार में चलती रहेगी मोटर, चलती रहेगी स्टार। हाँ, इससे जानकारी के इशू की स्टार चल रही है, डेल्टा चल रहे हैं वो, इसके ऊपर ना लाइट सी जलती है, इसके ऊपर ना एक सिंबल बना होता है, लाइट जलती है उस पे, लाइट सी जलती है, एक बार ये लाइट जल गई, एक बार ये जल गई, तो अपना कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, अपना रिले उधर है टाइमर, उसमें देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ चेक करना है, वोल्टेज मीटर लगा के देख लेंगे, टेस्ट लगा के देख लेंगे उसके ऊपर, भाई यहाँ से यहाँ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज आप गए, मोटर नहीं चल रही है, हम ये सोच लेते हैं मोटर नहीं चल रही है, इसमें प्रॉब्लम होगी, तो क्या करेंगे, हमें पूरी ट्रेस करनी पड़ेगी यार, यहाँ तक तो आ रही है, यहाँ तक तो आ रही है, तार तो नहीं टूट गया है, ये कुछ और तो नहीं हो गया। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया टाइमर में प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करेंगे, हम टाइमर को चेक करेंगे, हमें तो पता है ना अभी यहाँ लाइट आई है, यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ निकलनी चाहिए, कुछ देर के बाद यहाँ निकलनी चाहिए, अगर वो नहीं निकल रही है तो कुछ मुझ गड़बड़ है, टाइमर खराब है, खराब हो सकता है, टाइमर चेंज कर देंगे। सर ये मतलब थ्री फेज ऑपरेशन, वो सिंगल फेज ऑपरेशन मतलब थ्री फेज रहती है? हाँ, देखो मैंने बताया ना, दो तरह की चीजें हैं, एक कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग हमेशा सिंगल फेज में ही होती है, कंट्रोलिंग हमेशा सिंगल फेज में होगी। लेकिन अगर हमारी मोटर थ्री फेज ना, ये तो अभी डीपी लगा रखी है, यहाँ टीपीएन लगी रहेगी, टीपीएन, टीपीएन क्या होती है, थ्री पोल, टीपीएन का मतलब थ्री पोल एंड न्यूट्रल, मतलब तीनों चीजें होंगी वहां पे, सारी चीजें होंगी। जैसे अभी पावर डायग्राम की तुम बात करो, ये हमारा पावर डायग्राम, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल डायग्राम। जैसे इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू पूछा भाई स्टार डेल्टा स्टार्टर आता है? हाँ जी आता है। पावर डायग्राम बना के दिखाओ, तुम बोझ लग गए जो मैंने सिखा हुआ बनाने लग गए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कौन सा पावर डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड पावर डायग्राम। पावर डायग्राम मतलब देखो भाई, पावर मतलब मोटर को चलाना है इसमें पावर में, वो हो गया हमारा पावर डायग्राम। कुछ कुछ लोगों ने देखा था
ये रहा, ये सेम है दोनों, हाँ ये सेम स्टार पे है, ठीक है, ये स्टार है तो स्टार बना रखा है, ये डेल्टा है तो डेल्टा बना रखा है, ये सब समझाएंगे आपको। इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर ना ये जो कनेक्शन होते हैं ना, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अगर यहाँ गड़बड़ कर दी ना बड़ा मोटर भी जल जाएगी। तो बाद में वो समझाएंगे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना कनेक्शन करो। हाँ कंट्रोलिंग वाले क्यों अभी तो बना था, इसको ये खड़ा रखना है, ये बैठने के चक्कर में, ठीक है जितना पता है कोई नहीं, हम लोग है ना, इसको भी समझाओ, तुम दोनों अपनी मिलीजुली सरकार से समझाओ। नहीं सर, सबसे पहले तो मतलब जो हुआ है जो कंट्रोल डायग्राम उसमें फेज हो गए, हाँ ये इस पर आप इसी नंबर पे सेम नंबर पे आप अपना सीसी सेंटर ये आ जाएगा, इसको उठा के कहीं पर रख दो, यहाँ कहीं से पकड़ के नीचे रख दो। सबसे पहले पावर सप्लाई के दो फेज कंट्रोल के फेज डिफरेंस है, ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल, करंट नीचे से चल रही है, ये है कलर, यहाँ से चेंज होगा, इरेज हाथ से पूरा हाथ खोल के यूं हाथ से लेंगे, पूरा हाथ हथेली हथेली से जी, सबसे पहले फेज तो न्यूट्रल है हमारा, फेज यहाँ से उठा ये हो जाएगा फोर ओवर कंट्रोल, इसमें एक मिनट जाएगा और फिर नीचे क्रैक कर
और बाकी का भी कनेक्ट कर दूंगा बार बार बेंच चेंज क्लियर दोबारा। हाँ ये क्लियर, अब इसको पेन पकड़ा दो।
डाउट का नीचे नीचे तो डाउट का नीचे स्टार ओडियो बनाओ। इसमें भी सर शॉर्ट सर्किट करते हैं।